नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूँ वंदना हंस। आज विश्वकर्मा जयंती है, जी हाँ, और इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वकर्मा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शशि वर्मा जी। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि आज के दिवस पर क्या कुछ कहना है इनका। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया मैडम जी। मैं शशि वर्मा, प्रेसिडेंट प्रदेश विश्वकर्मा सभा जम्मू व कश्मीर। आज 17 सितंबर जो दिन है, बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है कि भगवान विश्वकर्मा जी, जो सृष्टि निर्चेता भगवान विश्वकर्मा जी है, आज उनका प्रकट दिवस है। तो पहले तो हम हर साल इस दिन के ऊपर, जो हमारे विश्वकर्मा लोग थे, जिन जो विश्वकर्मा बच्चे थे, उन जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हम विश्वकर्मा वंशज में होते थे, जिन्होंने 10th में 12th में अच्छा अचीव किया हो, जहाँ KS की कोई सीट निकाली, IAS किया हो, या कोई स्किल डेवलपमेंट में अच्छा किया हो, या स्पोर्ट्स कैटेगरी में कोई अच्छा किया हो, उन बच्चों को आज 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा प्रकट दिवस के ऊपर हम जहाँ अपने हेड ऑफिस शक्ति नगर विश्वकर्मा मंदिर में उन बच्चों को यहाँ पे हॉनर करते थे, मोमेंटो देते थे, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देते थे। तो आज कोविड की वजह से वो प्रोग्राम हम नहीं करने जा रहे हैं, उसको पोस्टपोन कर दिया है। मेरे टीम के सारे साथी आज आए थे, सुबह हमने आज मंदिरों में अपने पहले पूजा अर्चना की, भगवान विश्वकर्मा जी का गुणगान किया। मेरे साथ जे RKS जी बैठे हैं, जो शक्ति नगर के प्रेसिडेंट हैं, तो जे भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी अमरजीत जी पीछे बैठे हुए हैं, बाकी साथी मेरे साथ हैं। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आपके द्वारा हम जो ये 17 सितंबर का दिन है, आज लोगों में ये मैसेज देने जा रहे हैं, जो हमारे होनहार बच्चे थे मेरिटोरियस स्टूडेंट से, उनके लिए हमने आज एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट बनाए हुए। तो किस तरह से आप उन सर्टिफिकेट्स को उनके बीच में बांटने जाएंगे, या फिर उनको यहाँ पर बुलाएंगे, किस तरह से हॉनर करेंगे? बिल्कुल, मैं वही बताना चाहता हूँ कि हम उन बच्चों को तो बुलाएंगे नहीं, कि कोविड का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप जम्मू में हो रहा है, इस टाइम बहुत ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इसीलिए हमने उसको पोस्टपोन किया। जो उनके सर्टिफिकेट हैं, आज हम बाई पोस्ट रजिस्ट्री करके अरनिया तक, कठुआ तक, रजौरी तक, पुंछ तक के हमारे बच्चों के नाम हमारे पास आए हैं, वो एप्रिसिएशन लेटर जो है बाई पोस्ट रजिस्ट्रियाँ करवा के उनको उनके घरों तक भेज रहे हैं। तो उन बच्चों को आज मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, जिन्होंने 96.5 नंबर लेकर के अच्छा अपना बच्चों, अपने माँ बाप का, अपने विश्वकर्मा कौम का, अपने टीचर साहब का नाम रोशन किया है। तो उन बच्चों को भी मुबारक देना चाहता हूँ, और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके जरिए से हम ये मैसेज भेजना जा रहे हैं। और साथ में आए मैं जम्मू के लोगों को ये कहूँगा कि आज के दिन, जैसे हम दीपावली मनाते हैं, राम जन्मदिन मनाते हैं, या कोई और त्यौहार मनाते हैं, ऐसे ही भगवान विश्वकर्मा जो सृष्टि रचेता है, उनका दिन भी आज अपने घरों में ऐसे ही मनाएं कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि रचेता है, ये वो कोई ऐसे नहीं है, ये भगवान सृष्टि रचने वाले भगवान हैं, इनके भी अपने घरों में पूजा अर्चना करें, अपने घरों में दीपमालाएं करें, और आज भगवान विश्वकर्मा जी का अच्छे तरीके से दिन मनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ विश्वकर्मा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शशि वर्मा थे, जिन्होंने बताया कि इस बार COVID-19 को मद्देनज़र रखते हुए उस तरह से कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बात करें अगर भगवान की, तो भगवान की आस्था जो है हर कोई रखता है, और आज इन्होंने सुबह ही पूजा अर्चना की है और कई सारे कार्यक्रम किए हैं, कई पोस्टपोन भी कर दिए हैं, और कई इनके द्वारा कार्य को किया गया है, और साथ साथ ये लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं और ये भी संदेश दे रहे हैं कि आप लोग अपने घरों पर उसी तरह इस दिन को मनाएं जिस तरह दिवाली दशहरे को मनाते हैं। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे स्पिरिट न्यूज़ के साथ। वंदना हंस, स्पिरिट न्यूज़। नमस्कार।